ਉਹ ਚੰਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਜਲੀ ਕਹਿਣ ਸੋ ਕੈਸਾ ਸਾਰੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਮਲ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਮੈਂ ਨੋ ਸਭੀ ਕੋ ਗੱਲਾਂ ਗਾਣਾ ਗਾਏਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਹਾਂ ਭੂਲਾ ਵਹਾਂ ਸਹੀ ਕੈਸੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਮਲ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਮੈਂ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਰੱਖਤੇ ਹਮ ਤੋ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਕਦ ਕਦ ਬੰਦਾ ਕੈਸਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਲਦੀ ਸਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਕਭੀ ਕਭੀ ਜਲਦੀ ਉੱਠਦਾ ਹੂੰ ਵੈਸੇ ਇਨ ਐਸੇ ਇਤਨੀ ਭਾਈ ਆਦਤਾਂ ਗੰਦੀ ਹੋ ਪੜ ਗਈ ਹੈ 10 ਵਜੇ ਉੱਠ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਾ आज उठा मैं जल्दी। मैंने कहा नहीं नहीं आज हिम्मत करेंगे और उठ जाएंगे 9 बजे। 9 बजे उठ गया मैं आज तो किसी तरह हिम्मत जुटाई और उठ गया मैं 9 बजे ठीक है। फिर रील देख रहा था एक तो एक नॉर्मल रील होती है ना हम तुम कोई ट्रिप ट्रिप की होती है ना ना हम तुम चले टेढ़े में ऐसे ऐसे होते हैं गाने और एक आते और भाई वो रील मेरे लगता है बंदा जा रहा है जंग पे और फिर मुड़ेगा नहीं कभी वापस। तो आज का दिन खास इसलिए है रीजन बीइंग कि आज हमारी दोस्त आ रही है कैब जेमिनी से एंड मतलब हमने एक्टिंग भी साथ में की है एंड हम कैब जेमिनी थे ही साथ में तो एक्टिंग वैक्टिंग में हमने काफी इकट्ठे काम कर रखा है कैब जेमिनी के अंदर ही। तो अब आ रही है वो देहरादून से एंड आज उनके साथ हम बैठ के करेंगे डिनर और चांसेस हैं कि डिनर हम करेंगे अभी तक चांसेस हैं कि हम डिनर करेंगे ब्रदर ढाबा में। लेट्स सी कि क्या हिसाब बनता है। मैं आ गया उनसे मिलने मेरे दोस्त आए एंड अभी आपको उनसे मिलवाता हूँ। ये मतलब कैब जेमिनी में है अभी भी दोनों कैब जेमिनी में करंटली वर्किंग है दे रहे हैं। अब आप अपना नाम खुद बताओ। नाम बताओ। मैं सीता हूँ और मैं साक्षी हूँ। और कैब जेमिनी में क्या क्या पोस्ट पे हैं आप दोनों? यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली थे हर चीज देख के अच्छे से मतलब हमारी खुश हमारे चेहरे से पता चला कितने खुश हैं हम आज। गोल्डन टेम्पल देखा और फिर वहां से फिर हम बाघा बॉर्डर गए और बहुत मजा आया। ये तो है मगर तुम घुमाए बस ये कि बहुत ज्यादा शॉर्ट है जब टाइम के साथ आए हैं बहुत टाइट था मतलब अब मैं इनसे मुझे चीज मिली उनकी फीलिंग थी अगर मैं इनको बोलूँ तो 2 दिन मिनिमम हम लोग सारा ना तो 2 दिन ले गया। अभी हमें अपनी ट्रेन पकड़नी है। हाँ इनको ट्रेन पकड़नी है। उसके बाद इनको शॉपिंग करवाते हैं एक जगह से बताएंगे तो कहीं से शॉप निकल मैंने पूछनी अपनी बहन से। अच्छा वो बता दे उसको बता दी शॉप 5 जगह का काम कर पड़ते हैं और क्या ऋषभ आज हमें शॉपिंग करा रहे हैं। मैं शॉपिंग कराऊंगा जो इनके यूट्यूब के पैसे सारे आज हमारे शॉपिंग चलो खा के बताओ कैसा है कैसा है मसाला पापड़ देखते हैं एकदम स्वादिष्ट लग रहा है। स्वादिष्ट लग रहा है स्वादिष्ट हो भी लग रहा है वाह वाह बढ़िया वाह ताज वाह अभी भांगड़ा खा अमृतसरी कुलचा या गई दाल मखनी और ये साथ में है मिस्सी रोटी खा के बताना कुलचा कुलचा में दोनों टेस्ट करना आप दोनों वो तो है बढ़िया लग रहा है मस्त है आप भी ठाकी टेस्ट करो पहले कुलचे में चना चने लगा के और मन करे तो यहाँ पे प्याज वाली चटनी भी लगा के खा सकते हो नेचुरल है यार और क्या बढ़िया वाह अमृत मिल गया डिलीशियस तो कैसा लगा भाई कुलचे तो मस्त ट्राई है और क्या मस्त है मसाला पापड़ मोचो सूप और दाल दाल मखनी हां हां वो भी मतलब जो भी खाया बहुत अच्छा था और पेट भी भर गया था। नहीं सच्चा रिव्यू दो रेटिंग दो मुझे 10 में से हाँ, रेटिंग दो एवरीथिंग कुलचे तो मस्त था नो तो पक्का हाँ, जो स्टफ्ड कुलचा था ना उसमें हाँ, आलू प्याज पूरा स्टफ था जो वेरी नाइस और बस और दाल मखनी ओवरऑल गुड ओवरऑल रेटिंग 10 में से 10 में से प्राइस से तो बहुत रीजनेबल अरे प्राइस तो बहुत ही बहुत रीजनेबल रीजनेबल
प्राइस था, मतलब 400-450 रुपए में हमने खूब पेट भर के अच्छा खाना खा लिया। टेस्टी भी था, रेटिंग 10 में से खाने की सब कुछ मिला के, होटल का एंबियंस सब कुछ मिला के 9 दे दो। सब कुछ मिला के 9.5 10 दे सकते। आपकी मर्जी, आप चाहे 100 दे दो। 100 दे लेते, आउट ऑफ 100 था वो। अरे देखो आप सामने हाथ भी कोई बात नहीं, मैं कौन सा उसके ऊपर चला दूंगा। नहीं वो हाथ भी दिखा रहा है, रुक दो, बीच में खड़ा हाथ दिखा रहा है। रोको रोको भैया रोको। चलो अब इनकी भी शॉपिंग कराते हैं, फुलकारी सूट। टाइम आ गया टू बाय फुलकारी सूट। अब वो अंकल दिखाने लगे हैं इधर, राधी का शॉप है, खुद लेकर मैं दिखाओ। राधिका, राधिका शॉप पर फुलकारी एंड सूट कैसा लगा? इन्होंने 3 सूट लिए हैं, बढ़िया लगे? प्राइसिंग कैसी थी? प्राइसिंग की थी रिजनेबल थी। हां फुलकारी की महंगे लग रहे थे ना? फुलकारी की कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव थी, इससे कम के रेट में हमने 3 सूट ले लिए। हां सही बोल, एक फुलकारी सूट में 3 गर्म सूट ले लिए आपने, मतलब फिर भी ऐसे फिर कैसे बच जाते हैं? सूट का बताओ आप। लोग एयरपोर्ट उतरे, वॉशरूम में सूट चेंज किया, मतलब ऐसे कपड़ों में आए थे एयरपोर्ट से। हम जीन्स पहन के आए थे, पर गुरुद्वारे जीन्स में तो अच्छा नहीं लगेगा ना, वो ट्रेडिशनल नहीं चाहिए, ट्रेडिशनल फील आनी चाहिए। तो सूट पहने हम लोग, हमने सूट पहना और फिर गुरुद्वारा वगैरह मतलब करके माथा फिर वहाँ पे फिर हमने कपड़े बदलेंगे, फिर हम गए वाघा बॉर्डर, वाघा बॉर्डर और वापस मतलब शिद्दत गोल्डन टेम्पल, मतलब वो पिक्चर में सूट वाली लड़की तो दिखनी चाहिए। स्टेशन यहाँ पे यार इंडियन फ्लैग भी है, काफी साफ सुथरा स्टेशन हो गया ये। ज्यादा लोग कोरोना की ट्रेन व्रेन कम ही चल रही है शायद, किस्मत वाले होते हैं जिनको ऐसे फर्स्ट मतलब क्या कहते हैं फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे अपने को ट्रेन मिल जाए। साफ सुथरा कुछ साफ सुथरा यार, लोग भीड़ ही नहीं दिख रही है मुझे। अब मेरे को सच में बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब क्वालिटी वाइज बज रही है कि मैं बहुत देर बाद आया हूँ, ये तो बहुत अच्छा। ये आपका B2A की B1 है? ट्रेन, मुझे भी ट्रेन का सफर करना है। मैं ट्राई करूँगा कि अगर जब मेरा कॉलेज खुले मुंबई जाऊँ मैं, तो मैं ट्रेन से ही जाऊँ। मेरा बहुत मन है कि ट्रेन में जाऊँ, बहुत देर से सफर नहीं किया, सफर निकल निकल के बाहर को आ रहा है। बिना टिकट के जाना बहुत एडवेंचरस होगा, और सफर निकल निकल के बाहर आ रहा है। अमृतसर देहरादून, देहरादून जा रहे हैं। बढ़िया लगा आज का व्लॉग, अगर आज का व्लॉग आपको एकदम मस्त लगा है, बढ़िया लगा क्योंकि पिछली बार जो मेरी दोस्त आई थी उसमें बहुत लाइक्स आए थे, इस बार मेरी दो दोस्त आई है डबल, तो इसमें भी डबल लाइक्स व्यूज वगैरह बढ़िया लगता है। बता दिया करो तो स्पेसिफिक कुछ चाहिए तो बता दिया करना कि इस टॉपिक बना दो, पर ओवरऑल अगर बढ़िया लगा व्लॉग तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करके कमेंट करके सब्सक्राइब करके बैकिंग को हिट कर देना। नमस्ते।